राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह को दुनिया से गए हुए 1200 साल हो चुके हैं, लेकिन उनका नाम आज भी जिंदा है, राबिया बसरी। गिलगित की औरतों को भी पता है राबिया बसरी कोई बड़ी आला दर्जे की खातून थी। पंजाब की औरत को भी पता है, अरब की, अजम की औरतों को पता है राबिया बसरी न कोई शहजादी थी, न कोई मलका थी, न कोई वो खूबसूरत थी, न कोई खानदानी थी, बल्कि औरत होने के लिहाज से हर ऐब उसमें था। खानदान अच्छा होना चाहिए तो वो गुलाम थी, बांदी थी। शक्ल अच्छी होनी चाहिए तो वो बदसूरत थी, काली थी। फिर चलो शक्ल में कैसी हो, खानदान कैसा, औलाद के काबिल तो हो, राबिया बसरी औलाद के काबिल भी नहीं थी। बांझ, बांझ उसको कहते हैं, जो औरत औलाद के काबिल ना हो उसको उर्दू में बांझ कहते हैं, अरबी में अकीम कहते हैं। आपकी जुबान में भी कुछ कहते होंगे, हैं? शोणी, शोणी थी। तो अब बताओ, औरत होने के लिहाज से कोई चीज है? शक्ल, पहली, पहला तासर शक्ल काली, दूसरा तासर खानदान गुलाम, तीसरा तासर औलाद के काबिल नहीं, बांझ है, शोणी है। तो 1200 साल के बाद मैं गिलगित में क्यों उसका नाम बुलंद कर रहा हूं? मैंने किसी बादशाह की बीवी का नाम तो नहीं लिया? सिकंदर की बीवी और बनु उमैया और बनु बास की मलका और बेगमात, उनके नाम तो नहीं लिए? मैं कह रहा हूं राबिया बसरी। उनकी आदत ये थी, वो रोजाना ईशा की नमाज के बाद गुसल करके कपड़े बदल के अपने खामिन से पूछती, आपको मेरी जरूरत है? अगर वो कहते कोई नहीं है तो फिर पूछती मुझे इजाजत है? कहते इजाजत है, तो फिर मुसल्ले पे खड़ी हो जाती है और फजर की नमाज तक मुसल्ले पर खड़ी रहती। उनका खामिन जल्दी फौत हो गया, जवानी में ही बेवा हो गई। तो हसन बसरी बसरा के इमाम, क्या सारे मुसलमानों के इमाम थे, वो खुद आए, खुद खुद चल के आए कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। वो कोई शादी का शौक नहीं था उनको, वो तो औलाद के काबिल नहीं, शक्ल सिर्फ उनकी नेकी और उनका जो अल्लाह से ताल्लुक था, उनको ये लालच हुआ कि ये मेरी बीवी हो जाए तो इसकी तुफैल शायद मेरी बख्शिश हो जाए। तो उनके पास आए, कहने लगे राबिया मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, खुद पैगाम लेकर आए। तो उन्होंने फरमाया मेरी चार बातों का जवाब दे दो तो मैं शादी कर लेता। कहने लगे क्या? कहिए बताओ मैं जन्नती हूं कि दोजखी हूं? कहने लगे ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा ये बताओ, जब अल्लाह ताला क्यामत में आमाल नामे उड़ाएगा, किसी के सीधे हाथ में आएगा, किसी के उल्टे हाथ में आएगा, मेरे सीधे हाथ में आएगा कि उल्टे हाथ में आएगा? कहने लगे ये भी कुछ नहीं बता सकता। कहने लगे अच्छा ये बताओ, जब अल्लाह नेकियों को तोलेगा, किसी की नेकियां बढ़ जाएंगी, किसी के गुनाह बढ़ जाएंगे, मेरे गुनाह ज्यादा होंगे, नेकियां ज्यादा होंगी? का ये भी नहीं बता सकता। अच्छा ये बताओ, जब लोग बोल सरास से गुजरेंगे, कोई पार निकल जाएंगे, कोई नीचे गिर जाएंगे, तो मैं पार निकलूंगी कि दोजख में गिरूंगी? कहने लगे ये भी मैं नहीं बता सकता। तो फिर फरमाया अच्छा जाओ मुझे तैयारी करने दो, मुझे इन चार बातों की तैयारी करनी है, मेरे पास शादी के लिए वक्त कोई नहीं है। एक दिन उठी, सालन पकाने के लिए सालन हांडी, देखा तो प्याज कोई नहीं, प्याज कोई नहीं। अब प्याज काट के हांडी में डाला जाता है, अब परेशान बैठी है, ना कोई बेटा ना बेटी ना खामिद ना भाई ना कोई खादिमा। तब सोच में पड़ी प्याज कहां से लूं। ऊपर से एक चील उड़ती हुई जा रही थी, उसके पंजों में प्याज था। जब वो ऊपर आई है तो उसके पंजे छूटे और प्याज सीधा राबिया बसरी की गोद में आके गिरा। जो हमसे दोस्ती लगाते हैं, हम परिंदों को उनका खिदमत गुजार बना देते हैं। हाँ, जो अल्लाह से दोस्ती लगा लेते हैं, अल्लाह दुनिया उनके लिए मुसख्खर कर देते, अल्लाह दुनिया उनके पांव में डाल देते। तो जब इनका इंतकाल हुआ, रात को इनका इंतकाल, तो अपनी खादमा से कहा बस दो चार आदमी बुला के मुझे जल्दी से दफन कर दो, किसी को ना बताओ, सुबह लोगों को बता देना, और मुझे कफन देना मेरी उसी वो उस चादर में जिसमें मैं तहज्जुद पढ़ा करती थी। तो उन्होंने
راتوں رات دفن کر کے صبح اعلان کیا، شور مچ گیا، ہائے کیوں بتایا، کیوں نہیں بتایا، کیوں. تو اگلی رات ان کی خادمہ نے ان کو خواب میں دیکھا، سبز لباس پہنا ہوا، حسن و جمال، سورج چہرے پہ چمک رہا. پوچھا، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا، میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت عمدہ معاملہ کیا. کہا، آپ کی وہ چادر کہاں گئی جس میں آپ کو کفن دیا تھا؟ کہا، وہ اللہ تعالیٰ نے اتار لی ہے اور مجھے جنت کا جوڑا پہنایا ہے، اور اس چادر کو اللہ نے سنبھال کے رکھا ہے. جب قیامت کے دن میری نیکیوں کو اللہ تولے گا تو اس چادر کو بھی اس میں تولے گا. انہوں نے پوچھا، منکر نکیر کا کیا ہوا؟ سوال جواب ہوتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں، ان کا کیا ہوا؟ کہا، وہ آئے تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا، من رب کی، تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے منکر نکیر سے کہا، جس اللہ کو 40 سال نہیں بھولایا اس کو 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کر میں بھول جاؤں گی. یہ نہیں کہا ربی اللہ ہے، بلکہ ان کو یوں کہا کہ جس رب کو 40 سال میں نہ بھلا سکی اس کو 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کر میں بھول جاؤں گی. تو منکر نکیر نے کہا، اس کا آگے کیا حساب لینا، چلو بھائی واپس چلو، چلو بھائی واپس چلو. یہ بات آپ نے حضرت عمر سے فرمائی تھی، عمر وہ کیا دن ہوگا جب تو قبر میں ہوگا اور منکر نکیر آئیں گے زمین کو چیرتے ہوئے، اور ان کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوگا، ساری دنیا کے انسان جن اٹھانا چاہیں تو اٹھا نہیں سکیں گے، اور ان کی آواز میں بجلی کی کڑک ہوگی، اور وہ زمین کو چیرتے آئیں گے، ان کے دانت لمبے ہوں گے. تو وہ آ کر تم سے سوال کریں گے، من ربک، ما دینک، من نبیک. تو حضرت عمر کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرے ہوش ٹھیک ہوں گے؟ جیسے میں اب بیٹھا ہوں میں ایسے ہوں گا؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا، ہاں تو ایسے ہی ہوگا جیسے تو اب بیٹھا ہوا ہے. تو کہنے لگے، پھر میں اچھی طرح ان سے نمٹ لوں گا. تو جبریل آئے کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم دیکھ رہے ہیں آگے کہ عمر کو جب قبر میں ڈالا جائے گا اور آ کر منکر نکیر ان سے سوال کریں کہ مر ربک، تو یہ کہیں گے، ربی اللہ فمن ربکما، میرا رب تو اللہ ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ میرا دین تو اسلام ہے، تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟